वेद म्यूजिक की झलक सबसे अलग। अश्वसेन अपना कुटुंब का बदला लेने के लिए आया और तब भगवान कृष्ण जो निशाना करण का निशाना था उसी के लिए रथ को थोड़ा सा नीचे दबाता है, अर्जुन के मुकुट से टकरा करके अर्जुन का मुकुट दूर जाकर के पड़ता है। ओ चांदी का मुकुट भड़बड़ाहट कर रहा था लेकिन अश्वसेन के जहर के डंक से वो सारा का सारा मुकुट काला पड़ जाता है। ये भगवान कृष्ण ये के भी चित्र माया है, जैसे पूर्व भक्ता ने बताया इसी प्रकार से खोल करके पूरा कुटुंब का विनाश और खांडे वन तक की बात बता करके अर्जुन का पेटा साफ करता है। अब भी अर्जुन ये दोबारा भी आकर के और अपना डंक लगा सकता है, इसका सर्वनाश करो। तब अर्जुन अपने गांडे धनुष उठा करके और अश्वसेन का सर्वनाश कर देता है और फिर अर्जुन और कर्ण दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है। तीन पहर का दिन बीत जाता है, एक पहर दिन बाकी होता है और तब लड़ते लड़ते और एक कर्ण के जो विपर का श्राप था वो एक श्राप सामने आता है और दोनों योद्धाओं के बीच में युद्ध हो रहा था और एक कर्ण उस श्राप के संकट में आकर के और एक अर्जुन से कहता है तो क्या कह रहा था, किस प्रकार से अर्जुन खड़ा खड़ा सुन रहा था। Oh,
ये कई आंगल भी बिल्कुल आले कोन्या अर सरा पछो करण को बल तो बिल्कुल चाले कोन्या अर फेर दनस यात में ले लीनू पर सराम ने याद करियो पण वा बाण भी बिल्कुल चाले कोन्या अर फेर बोलो किरसन कैसा बिल में बड़े ही न वाड़े रे वा मेरे रथ का पहिया पृथ्वी में धस गया है, जब तक ये क्षरियत क्षत्रियों की मर्यादा है नियत्था के ऊपर कोई योद्धा बाण नहीं चलाता है, और मैं पृथ्वी के ऊपर पैदल हूं, जब तक मेरा रथ नहीं पृथ्वी से ऊपर, जब तक अपने बाणों को रोक लो। और तब अर्जुन अपने गांडव धनुष को रोक लेता है। जना कृष्ण भगवान खेवाला बोलो के बात है अर्जुन क्या रोक लियो? बोलो महाराज ये कानून से विरुद्ध है, ये छत्रियों का धर्म नहीं, करण पैदल है, करण नेता है, मैं तो बाण नहीं चला सकता। तो बोलो तू अतनु धर्मात्मा होगो के करण की बात तेरे याद नहीं? बोलो महाराज कौन सी बात? ता बैठा बैठा रथ के अंदर और एक करण के भगवान कृष्ण याद दुआता है तो क्या दिवा रहा था किस प्रकार से अर्जुन खड़ा खड़ा सुन रहा।